ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद एक बार फिर लालू परिवार के निशाने पर आ गए हैं। इस बार सुशील कुमार मोदी सीधे लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी पर इशारों ही इशारों में निशाना साधा है, जिसके बाद मोदी एक बार फिर लालू की बेटी के निशाने पर आ गए हैं। राबड़ी देवी के बहाने लालू यादव पर निशाना साधते हुए सुशील मोदी ने कहा कि घरेलू महिला राबड़ी देवी को सीधे मुख्यमंत्री बनवाकर क्या लालू प्रसाद संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था को दुरुस्त करने की क्रांति कर रहे थे। मोदी के इस बयान के बाद लालू की बेटी रोहिणी आचार्य और राजद नेता ने मोदी को आड़े हाथ लिया। रोहिणी ने कहा कि आपकी मानसिकता बता रही है कि घरेलू महिला या महिलाओं के प्रति आपकी कैसी ओछी सोच है। दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने संपूर्ण क्रांति दिवस पर लोगों को बधाई दी और संपूर्ण क्रांति की याद दिलाई। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जब तंत्र जन पर हावी हो जाए, तंत्र को विकृत बनाकर जन को ही गौण किया जाने लगे, तब व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए संपूर्ण क्रांति अपरिहार्य हो जाता है। संपूर्ण क्रांति दिवस की सभी नागरिकों को शुभकामनाएं। यह सच्ची लोकतंत्र का पर्व है, जन जागरण दिवस है, सजग नागरिकों का दिवस है। सुशील मोदी को लालू का यह बयान बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने ट्वीट कर कहा कि घरेलू महिला राबड़ी देवी को सीधे मुख्यमंत्री बनवाकर क्या लालू प्रसाद संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था को दुरुस्त करने की क्रांति कर रहे थे। सुशील मोदी ने अपने अगले ट्वीट में कहा कि जिसने सत्ता को बेनामी संपत्ति बनाने का निर्लज माध्यम बनाकर जेपी की संपूर्ण क्रांति का विकृत मॉडल पेश किया, उन्हें संपूर्ण क्रांति दिवस पर ज्ञान देने के बजाय प्रायश्चित करना चाहिए। सुशील मोदी के इस बयान के बाद लालू की बेटी शांत रहे, ये सामान्य नहीं है। रोहिणी आचार्य ने सुशील मोदी की सोच को ओछी सोच वाला व्यक्ति बताया। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आपकी मानसिकता बता रही है घरेलू महिला या महिलाओं के प्रति कैसी आपकी ओछी सोच है। जिसको माँ बहनों का भी सम्मान करने का संस्कार नहीं, वो नेता तो क्या इंसान कहलाने के लायक नहीं। रोहिणी आचार्य ने अपने इस ट्वीट में एक नोट भी लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि महिलाओं के प्रति इस घिनौनी सोच के कारण डबल इंजन की सरकार ने बालिका गृह कांड को अंजाम दिया। रोहिणी ने अपने अगले ट्वीट में कहा कि क्या घरेलू महिला क्रांति नहीं ला सकती, जिसके मुंह से ये बात निकली। महिला और भारतीय समाज का उपहास और अपमान करने का उसने घोर अनैतिक पाप किया। रोहिणी यादव के अलावा राजद नेता जयंत जिज्ञासु ने भी सुशील मोदी की सोच पर सवाल उठाया। जिज्ञासु ने ट्वीट करते हुए कहा कि देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, लालू जी सीएम बने 10 मार्च 1990 को। बीच के 43 वर्षों तक किसी ने रोका था बिहार में किसी पीएचडी पोस्ट डॉक की हुई महिला को सीएम बनाने से। राबड़ी देवी जी तो 25 जुलाई 1997 को सीएम बनी, आजादी के 50 वर्षों बाद। आते ही बिहार की हर कमिश्नरी में ओबीसी ईबीसी लड़कियों के लिए आवासीय स्कूल खोला। दरअसल यह पहली बार नहीं है जब सुशील कुमार मोदी राजद और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी यादव के निशाने पर आए हैं। सुशील मोदी कई बार तथ्यों और दस्तावेजों के जरिए लालू परिवार पर गंभीर आरोप लगाते रहे हैं। बता दें कि तेजस्वी यादव द्वारा अपने सरकारी आवास में 50 बेड का कोविड केयर सेंटर शुरू करने को लेकर भी सुशील कुमार मोदी और रोहिणी आचार्य के बीच तीखी बहस हो चुकी है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो बिहार। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।